यार पकड़ लो छोटू, प्लीज छोटू पकड़ लो उसको, ये गिर जाएगा पता है। अरे भैया तुम तो एकदम नरक फैला दिए हो, अरे खुल जाएगा पता है। गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और अभी मॉर्निंग का 10:30 बज रहा है और हम लोग उठ गए हैं, चाय नाश्ता हो गया है। और ये देखिए बाबू हमारे नाश्ते का जो लइया वगैरह मतलब भुनी रखी हुई थी वो लेकर भाग गए हैं और इनकी शैतानी शुरू हो गई। और आज बहुत अच्छी धूप भी निकली है तो सोच रहे हैं जल्दी जल्दी से उठ के सारे काम फिनिश कर लेते हैं, क्योंकि आज सोच रहे हैं कि थोड़ा सा हम बाहर टहलाएँ। ये बोल रहे थे कि चलो बाबू को भी टहला लाते हैं, तो अभी हम लोग जल्दी जल्दी काम फिनिश कर लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। और अभी चलते हैं, यहाँ पे कवर डाल देते हैं क्योंकि इनके कवर जो है ना धुले थे हमने, तो ये भी डाल देते हैं। ये देखो हमारे सोफा को चूहा ने काट दिया है, ये देखिए। और ये देखिए कपड़े भी हमने फैला दिए हैं। और आज धूप बहुत अच्छी निकली है, सारे कपड़े सूख जाएंगे क्योंकि ठंडियों में यार कपड़े सूखने की बड़ी टेंशन रहती है। और साफ़ सफाई हो चुकी है, अभी चलते हैं हम नहा लेते हैं और फिर आपसे मिलते हैं, तभी आपको अपना फेस दिखाते हैं। और यार ये मेरे घर के कपड़े भाई, पता नहीं कब हम इनको सही करेंगे, टाइम मिलता है लेकिन पता नहीं क्यों ये बहुत आलस वाला काम लगता है। तो अभी चलते हैं, इसमें से जो पहनना है वो कपड़े हम ढूंढ लेते हैं। और अभी हम तैयार हो गए हैं, हमने सोचा कि चलो थोड़ा सा शॉपिंग कर लेंगे और बाबू को भी घुमा देंगे। और जैसे ही हम लोग तैयार हो गए, बाबू को भी तैयार कर दिया और बाबू सो गए। यार इतना टाइम मतलब हमको लग रहा है कि एक डेढ़ घंटा हो गया तब से हम लोग तैयार हो रहे हैं। यार पहले हम दोनों लोग थे तो आराम से तैयार हो जाते थे, अब यार बाबू को तैयार करने में आप समझ लो अगर मुझे 5 मिनट तो उनको कम से कम आधा घंटा लगता है। ये पहनाओ ये नहीं पहनेंगे, इधर करेंगे उधर करेंगे ये करेंगे, तो उसके चक्कर में अब उनको तैयार किए जैसे बस ही सो गए। अब सोच रहे हैं कि क्या जाएँ, क्योंकि सोच रहे थे बाबू के लिए ही मेन सोच रहे थे कि जाएँ घूमें और इनको भी थोड़ा सा घुमा दें। तो वही ये देखिए मैंने कपड़े वगैरह पहन लिए हैं। और आज मैंने ये पता है ये स्वेटर जो है ना मेरे शादी में गया था और इसका कलर वगैरह मुझे बहुत अच्छा लगता है, देखिए बहुत सुंदर है ये स्वेटर, लेकिन अभी तक मुझे ढीला आ रहा था, अब मैं मोटी हो गई हूँ तो ये अच्छे से आ रहा है और मुझे ये बहुत सुंदर लगता है। अभी आपको मैं इसको पूरा दिखाती हूँ, एक मिनट की, ये आगे से ओपन है और ये काफ़ी सुंदर लगता है मुझे, अभी मैं मोटी हो गई हूँ तो अच्छे से मुझे आ रहा है। मैं सोच रही थी कि रहने देते हैं जाने के लिए क्योंकि बाबू ही सो गया है, लेकिन ये बोल रहे हैं चलो घूम के आते हैं, तो हम सोच रहे हैं चलो अब जब तैयार हो गए हैं तो घूम ही के आ जाते हैं। तो अभी मोबाइल वगैरह ले लिया है हमने और लाइट बंद कर दी है, अभी चलते हैं हम बाहर। दीदी बंद कर लो, ये बंद कर लो। तो अभी हम चलते हैं और मैं हमेशा यही स्लीपर पहनती हूँ क्योंकि मेरे जो नेल्स हैं वो बहुत लंबे हैं और इस वजह से मैं जूते नहीं पहन पाती हूँ, और जूते पहनती हूँ तो ये आगे के जो नेल्स हैं वो दर्द होने लगते हैं, तो मुझे बिल्कुल हम नहीं पहन पाते हैं चाहे जितनी ठंडी हो जाए, लेकिन हम यही हमेशा पहनते हैं। और ये देखिए जल्दी जल्दी के चक्कर में मैं पायल पहनना भी भूल गई हूँ, एक तो बाबू के तैयार करने के चक्कर में लग जाओ ना तो अपना सब कुछ मैं भूल ही जाती हूँ। और वैसे भी मैं यार घर पे पायल कम पहनती हूँ, इस वजह से भी क्योंकि ठंडी इस टाइम पे हो रही है, कभी पैर सेको ना तो पायल बहुत जल्दी गर्म होती है और वो बहुत तेज़ से लग जाती है, और थोड़ा मैं कम ही पायल पहनती हूँ। ऐसा नहीं कि मुझे पायल पहनना अच्छा नहीं लगता, अच्छा बहुत लगता है, लेकिन बस घर पर नहीं पहनती हूँ और बाहर कहीं निकलती हूँ तो तुरंत पैर में डाल लेती हूँ। और अभी हम पहुँच रहे हैं हज़रतगंज क्योंकि इनको लेने हैं शूज़, तो सबसे पहले हम सोच रहे हैं कि जाके शूज़ देख लेते हैं। और ये देखिए अभी हम निकल रहे हैं लव लेन के आगे, और सब कहते हैं यार लव लेन जो है ना वो लड़कियां वहाँ पे बहुत शॉपिंग करने आती हैं, मतलब वहाँ पे कपड़े मिलते हैं अच्छे अच्छे मिल जाते हैं, लेकिन सच बताएं मैं शादी से एक दो बार पहले आई हूँ और मुझे यहाँ के कपड़े नहीं अच्छे लगते, इसलिए क्योंकि क्वालिटी वाइज़ यहाँ के कपड़े अच्छे नहीं होते हैं। और मुझे लगता है यार कपड़े जो है ना वो हमेशा अच्छे लेने चाहिए, भले वो सस्ते हों मतलब महंगे ना हों, लेकिन वो आपको कंफर्टेबल फील कराएं और किसी के सामने खड़े हो तो थोड़ा सा अच्छा लगे अपने आप को। तो कपड़े ऐसा तो है नहीं कि अभी हम लोग बढ़ेंगे या फिर हम लोगों की हाइट बढ़ेगी, तो अपने लिए कपड़े हमेशा अच्छे लेने चाहिए। और अभी हम लोग पहुँच गए थे शूज़ की शॉप पर और यहाँ पे शूज़ इनको समझ में नहीं आए, तो हम लोगों ने सोचा कि चलो कहीं और चलते हैं देख लेते हैं। बस यहाँ चाय मिलेगी क्या? और कुछ नहीं, चलो देखते हैं कहीं। चलो मोती महल चलते हैं, हाँ देखिए।
क्या खाओगे? तुम्हारे लिए मंगवाया था चीज़। और अभी हम लोग जा रहे हैं मोती महल से बाहर निकल चुके हैं, घर जा रहे हैं क्योंकि आई थिंक बाबू जाते हैं और ठंडी भी बहुत होने लगी है और अभी शाम हो गई है, ठंडी भी काफ़ी बढ़ गई। ये देखिए, ये इनका पैर जो है ना वो अभी तक सही नहीं हुआ है। तो अभी हम लोग सीधे घर जाने के लिए निकले थे लेकिन ये रास्ते में हम लोगों को सेल दिख गई, मतलब मुझे दिख गई, इन्हें तो ये सेल वगैरह कुछ नहीं दिखता है तो हमें दिख गई। तो हमने सोचा कि चलो एक बार देख लेते हैं लेकिन ये अंदर नहीं आए, ये खड़े हो गए बाहर ही स्कूटी पे कि तुम जाओ जल्दी जल्दी से देख के आओ। और यार मुझे इनकी ये आदत बहुत ख़राब लगती है, बस एक ही दो आदत हैं जो इनमें ख़राब है और सब बहुत अच्छी हैं। तो ये आदत मुझे इनकी बहुत ख़राब लगती है, जब भी शॉपिंग करना होता है तो इनका मुंह बन जाता है और खाने के टाइम पे कभी नहीं बनता लेकिन शॉपिंग के टाइम पे हमेशा मुंह बन जाता है। मतलब इनका कहने का मतलब है कि एक कुछ देखा और बस ले लो और चल दो। कहते हैं कि हम तो बहुत जल्दी बस जाते हैं, दो तीन कपड़े देखते हैं और एक डिसाइड कर लेते हैं लेके चल देते हैं, और तुम लोग कम से कम 25-30 देखती हो और फिर लेती भी नहीं हो। तो यही बोल रहे थे इसलिए बाहर ही खड़े रहें। तो इनका मुंह बना देख के मैंने भी सोचा हटाओ यार चलो कुछ नहीं लेते हैं। और वैसे भी सच बताएं तो यहाँ पे सिर्फ नाम की सेल थी कि हाँ सेल है, सेल में कुछ सस्ता होगा, लेकिन यहाँ पे कुछ भी सस्ता नहीं था, सब बहुत ही ज़्यादा महंगा था। और यहाँ से मैंने बाबू के लिए एक कैप ले ली थी, इनके लिए ले ली थी, और मुझे यहाँ पर ये जो आगे एक शॉल लगी मैं अभी दिखा रही हूँ, ये देखिए ये शॉल लगी है, वो मुझे थोड़ी सी अच्छी लगी थी लेकिन इन्होंने प्राइस बहुत ज़्यादा बताया, इन्होंने बताया 2700 की है तो इस वजह से मैंने नहीं लिया। और मेरे पास वैसे भी दो एक शॉल हैं लेकिन लड़कियों की आदत होती है कि कुछ देख लो तो बस ले लो, लेकिन हमने नहीं लिया, बहुत कंट्रोल किया। अभी हम घर आ गए और ठंडी इतनी ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा, मैं आते आते मैंने जल्दी से ये हाईनेक डाल दिया है और यार इतनी ज़्यादा ठंडी है कि लग रहा था मेरा सर जो है पकड़ लिया है, मतलब इतना दर्द हो रहा था। मैंने कहा बस अब घर चलो किसी तरीके से, तो बहुत ज़्यादा ठंडी लग रही थी। और ये देखो बाबू, और इनको आते आते सबसे पहले मैंने कपड़े चेंज करवा दिए हैं क्योंकि पता है इनको नए नए कपड़े पहनाए थे, पता चले कि ये रात में सोते हैं तो सारे कपड़े, यार वूलन जो है वो बहुत जल्दी ख़राब होता है, तो इसीलिए मैंने इनके कपड़े चेंज करवा दिए हैं। और बस इनके पास एक वही काम, फ़ोन देखना शुरू, और वो उधर पी रहे हैं चाय बिस्किट। तुमने अपनी नई टोपी नहीं दिखाई, कैप दिखाओ कैप। ये तो है नई टोपी, पक लेके तो आए हो बाहर रखी है। और हम लोगों ने एक भैया के लिए कैप खरीदी है और एक इनके लिए। और वैसे भी यार जब भी हम शॉपिंग करने जाते हैं तो मेरा एकदम दिमाग खराब हो जाता है, इनका मुंह जो है ना, इनका मुंह देखने का ही नहीं मन करता है मेरा, ऐसे पता है मुंह बना के घुमा करेंगे, तुम कुछ लोगे ही नहीं वहां से निकल आओगे। और खाने के टाइम पे नहीं होता है, खाने के टाइम पे हाँ ये खा लो वो खा लो ये ऐसा खा लो वैसा खा लो, लेकिन हमेशा शॉपिंग जब करने की बारी आती है तो इनका मुंह बना रहता है। क्यों मुंह बना लेते हो? बहुत बोरिंग काम लगता है, बहुत बोरिंग काम लगता है, बस खाली जाओ बस एक चीज देखो और ले लो चले आओ, पता नहीं कौन सी चीजें हैं। क्या हो गया तुमको? रुको चला देते हैं, रुको ते अपने बाबू की पोनी कर देंगे क्योंकि हम बाबू के लिए अपने रबड़ लेके आए हैं। ये देखिए बाबू के बाल जो है ना ये बड़े हो गए हैं, अब मिलचे रखी हुई है, ये देखिए।